पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को 18 फरवरी को देश में लाया जाएगा। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास योजना के तहत 5 मादा 3 नर चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एक बाड़े में पृथकवास में छोड़ा था। भारतीय वायुसेना का एक C-17 विमान दक्षिण अफ्रीका से इन चीतों को लाने के लिए गुरुवार सुबह रवाना हुआ। इन चीतों को पृथकवास में रखने के लिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 10 पृथक बाड़े बनाए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जनवरी में अफ्रीकी देश से चीतों को लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। दुनिया के अधिकांश 7000 चीते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में रहते हैं। यह शिकार एवं आवासन की कमी के कारण भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। भारत में आखिरी चीता 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरैया जिले के साल वन में मृत पाया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रमुख SP यादव ने कहा, 7 नर एवं 5 मादा चीते दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत आएंगे।